अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द लास्ट शो ऑफ द वीक और सेकेंड डे ऑफ द टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड, बहुत सारी गुफ्तगू करनी है आज। और गुफ्तगू के लिए मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। सबसे पहले उनको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम लाला। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो वेलकम टू द स्टूडियो। हम काफी दिनों बाद आप जब बुलाती हैं आ जाता हूँ। आप कहते हैं लाला आप घर पे ही रहे, वहीं से वीडियो कॉल पे कर ले। आप कहती अब जब आप आ रहे थे ना स्टूडियो तो मैं गई हुई थी, और जब मैं आई हूँ तो आप कैसा रहा आपका ट्रिप? कैसा रहा ऑस्ट्रेलिया? वंडरफुल, बहुत अच्छा। स्पेशली जब टीम पाकिस्तान इतने आखिर तक पहुंच जाए ना तो वो खुशी अलग होती है। वरना तो हमने तो ये सोचा था हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होंगे, सेमीफाइनल तक भी टीम नहीं जाएगी। बट यस, गुड परफॉर्मेंसेस, हमारी फास्ट बॉलिंग हमें वहां पे जो है वो जिताती रही। हमारी फास्ट बॉलिंग ने हमें सपोर्ट किया कि हम फाइनल तक पहुंचे। और फिर मुझे ये देखकर अफसोस होता है कि जब हम घर पे वापस आते हैं तो हमारी फास्ट बॉलिंग को वो ट्रस्ट नहीं शो किया जाता टीम मैनेजमेंट की तरफ से या पीसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से। लाला आज दूसरा दिन हो गया, वही जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह इंग्लैंड ने जो है वो 657 रन्स बनाए और अच्छे खासे रन्स बना दिए। एंड 181 पाकिस्तान विद नो लॉस, यानी अब हमारे लड़कों की बारी है, ये भी रन्स बनाएंगे। बेचारे बोलर्स का क्या कसूर है लाला? करने दे बैट्समैनों को रन बनाने दे, कोई बात नहीं। आई मीन इस तरह टेस्ट मैचेस का फिर मजा नहीं आता। Exactly. आज एक जैसे दिल नहीं चाह रहा था मैच देखने को, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा बहुत ही बोरिंग है, बॉलर्स के लिए कुछ है नहीं, बैट्समैन भी अगर मार दिया तो मार दिया। आई मीन के बहुत ज्यादा मजा नहीं आया पिच। लेट्स सी, अल्लाह करे कि रिजल्ट आए इस मैच का, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि ये इसकी बॉलिंग लाइन भी ऐसी है इंग्लैंड की कि पाकिस्तान को दो दफ़ा आउट कर पाएंगे। एंडरसन ठीक है, नो डाउट बड़ा एक्सपीरियंस सारा कुछ, लेकिन उसको भी कंडीशन तो चाहिए ना। Exactly. कि जहाँ बॉल सीम करे, स्विंग करे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। लेट्स सी, मे बी लेटर ऑन कोई रिवर्स स्विंग का कोई फायदा हो। लेकिन अगर हमने सवेरा उस दिन भी बात हुई थी, अगर हमने ऊपर टॉप रैंकिंग या चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है चैंपियनशिप, उसमें अगर जाना है, बड़ी बड़ी टीमों को हराना है, तो हमें अपने बॉलर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। हम बिल्कुल शेल में चले जाते हैं, नहीं यार कहीं हमारे बैट्समैन ना आउट हो जाएं। आई मीन कम ऑन यार, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं कि हमारी बैटिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग भी अच्छी है। उनको कॉन्फिडेंस तो दो, अच्छी सीमिंग पिचेस पे खिलाओ तो सही। इस तरह की पिचेस पे तो मेरे ख्याल में क्या पता नसीम शाह भी 70-80 रन कर देगा नीचे से, हारिस रऊफ भी रन कर देगा, तो इस पिच पे तो आउट होना मेरे ख्याल में जुल्म है। चैलेंज जरूर देना चाहिए, क्यों नहीं अपने बैटर्स को चैलेंज देना चाहिए। बट लाला, और जिस तरह आपने जिमी एंडरसन की बात की है, वो उनका सक्सेस रेट इंग्लैंड में ज्यादा है। बाहर जैसे वो इंग्लैंड से निकलते हैं उनका सक्सेस रेट उतना नहीं है, और ये बात सबको पता है, ये एक एविडेंट फैक्ट है। इतने अरसे से वो खेल रहे हैं, एवरीवन हैज रेड हिम थ्रू के नहीं जी इंग्लैंड में वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। बट आज लाला, क्योंकि कल हमने ये बात की थी कि सकलेन मुश्ताक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिच होनी चाहिए थी कंपेटिटिव, विच मींस बिटवीन द लाइंस अगर हम जाने की कोशिश करें कि उनकी पसंद से या उनकी मर्जी से ये पिच तैयार नहीं है, तो हमारी अगली एक्सपेक्टेशन जाती है कि शायद चेयरमैन पीसीबी रमेश राजा की पसंद से ये पिच तैयार हो रही थी। मगर आज रमेश राजा ने मीडिया से बात की और मीडिया से उन्होंने कहा कि वो खुद भी ही इज़ नॉट हैप्पी विद द पिच कंडीशन और पिचेस हमारे हमें तो बनानी नहीं आती। उन्होंने क्या गुफ्तगू की मीडिया से, हमारे पास वो भी मौजूद है, हम वो भी सुनाते हैं आपको, दिखाते हैं और फिर आगे उस पर गुफ्तगू करते हैं। ये ना उसका बाउंस डिफाइन पहले कर लो। ये घास से कुछ नहीं होता है, घास एक आपको ऑप्टिक्स के हिसाब से बड़ी अच्छी लगती है मगर उसका इफेक्ट इम्पैक्ट वैसा नहीं होता है। तो ये आपको ये समझना है कि हमें बाउंस क्रिएट करना है, क्योंकि बगैर घास के भी बाउंस होता है जो कि बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे होता है, वहाँ पे इतना घास तो नहीं छोड़ते हैं टेस्ट क्रिकेट। हमारी स्पिन बॉलिंग पेस हमारी एडवांटेज नहीं है, सो पेस बॉलिंग के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी। मुझे एक स्पिनिंग पिच चाहिए तो स्पिनिंग पिच चाहिए, वो भी नहीं मिलती है ना, तो आधा तीतर आधा बटेर हो जाता है, सो वी डोंट वांट दैट। अगर एशिया कप में इंडिया नहीं भी आती तो आर यू कॉन्फिडेंट कि हम पाकिस्तान में होस्ट कर सकते हैं विद श्रीलंका एंड बांग्लादेश या नहीं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते, मतलब हम तो अवेलेबल हैं, ये हमारा राइट है। या तो हमारा हम कोई ऐसी चीज पूछ रहे हो जो कि हमें मिली नहीं है और जोर लगा रहे हैं, एक चीज मिली है, बाउंस चाहिए पिच पे। एक तरफ फास्ट पिच की बात की जा रही है, दूसरी तरफ स्पिन ट्रैक की बात की जा रही है कि स्पिनिंग ट्रैक भी नहीं बन सकता। क्यों लाला इतना बड़ा मसला क्यों है? बिकॉज अगर मैं पिछले साल ही याद करती हूँ, फरवरी 2021 में पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच खेला जाता है यहीं पिंडी की विकेट पे, और बड़ा अच्छा वो मुकाबला होता है, दोनों तरफ से बहुत अच्छा कंपेटिटिव
बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल होता है और पाकिस्तान इवेंचुअली 95 रन से वो जीत गया है वो टेस्ट मैच, तो वो भी तो यहीं पिंडी में ही हो रहा था, उस वक्त ही पिचेस बन रही थी और अब नहीं बन रही, क्यों? सवेरा पिचेस, अगर पिंडी की पिच की बात करें तो मैंने ऐसा पिच कभी देखा नहीं है, इवन के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मैंने काफ़ी मैचेस खेले हैं वहाँ पे 4-day games, कभी इस तरह का पिच नहीं देखा कि इतना फ्लैट। ये तो मुझे कोई फैसलाबाद या सियालकोट का पिच याद आ गया था। आपके जितने भी बड़े सेंटर्स हैं लाहौर, कराची, मुल्तान और पिंडी, इसमें हमेशा मैंने बाउंस और फास्ट बॉलर्स बहुत इंजॉय करते हैं फास्ट बॉलिंग। एक वक्त था जो पिंडी से बड़े फास्ट बॉलर्स आते थे और इसी तरह मेरा मैं इवन के आपके लाहौर का जो सेंटर है, मैंने आज तक कभी इस तरह का पिच पिंडी का नहीं देखा, हमेशा अच्छा बाउंस सीम। बल्कि आप उस दिन आपने मुझे जो वीडियो शेयर की थी जो फास्ट बॉलर मोहम्मद अली बॉल कर रहा था डोमेस्टिक में, वो पिच और इस पिच में जमीन आसमान का फर्क है। उसने अगर आउट किए तो उस कंडीशन उस पिच के हिसाब से आउट किए हैं, बॉल स्विंग हो रहा था। तो इस तरह तो आप बोरिंग कर रहे हैं क्रिकेट को, इस तरह हम इसी लेवल पे रहेंगे। हाँ, जिस तरह भी रमीज भाई को सुन रहा था, वो फुटेज अगर दिखाती भी चले मेरी, जिस तरह भी रमीज भाई बात कर रहे थे सवेरा के, हम ट्रैक नहीं, आई मीन मुझे तो हैरत हुई सुन के हम नहीं बना सकते। आई मीन के इतने अरसे से क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट, और इस तरह की बात मेरे नहीं ख्याल के हमें इस फोरम पे करनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, जो हम चाह रहे थे वो अगर उन्होंने बना के नहीं दी पिचेस, ने पिचेस इस तरह की नहीं बनी, ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों ने एक, मैंने बल्कि ये भी आपने मेरे ख्याल आप ही किससे मैंने सुना कि वसीम खान आगा जायद साहब जो थे जो पिचेस बनाते थे वो रिटायर हो गए थे, बिल्कुल हमारे चीफ क्यूरेटर थे वो। हाँ, और वो रिटायर हो गए थे, वो रिटायर हो गए थे और उससे फिर दोबारा उनको लेके आ गए रमेश राजा साहब। जैसे ही वापस आए उन्होंने आगा जायद साहब को रीअपॉइंट किया और वो रीअपॉइंट करके इस वक्त हमारे चीफ क्यूरेटर फिर से आगा जायद साहब। तो कोई वजह थी जो शायद उनको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन नहीं मिली थी, कोई वजह ही होगी जो एक्सटेंशन नहीं दी गई, वरना पीसीबी में तो जो कोई आता है वो तो इवेंचुअली पूरा ही टाइम गुजार के जाता है। ये लाला, ये आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये आपको विकेट जो है हम दिखाते चले कि ये विकेट जो है ये डोमेस्टिक में अभी कायदे आजम ट्रॉफी कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे हुआ है और ये विकेट है जहाँ पे ग्रीन आपको पूरा स्क्वायर ग्रीन दिख रहा है और अब जो आप इस मैच में देख रहे हैं जो इस टेस्ट मैच में वो पूरा स्क्वायर ब्राउन कर दिया आपने, पूरा शेव आउट कर दिया उसको। उससे अगर आप ये आप स्क्रीन पे जो है आपको दिख रहा है जो अभी का टेस्ट मैच हो रहा है, मैं अगर पिछली जो कायदे आजम ट्रॉफी की अभी रीसेंट इनिंग्स हुई हैं उनके मैं आपको फर्स्ट जो इनिंग है उसके मैं स्कोर्स बताती चलूं तो 210 ऑल आउट हुआ, फिर 188 ऑल आउट, फिर 269 ऑल आउट, फिर 384 ऑल आउट, फिर 278 ऑल आउट एंड 185 ऑल आउट। यहाँ तो 500-600 750-700 रन बन गए थे। हाँ जी, ये तो आई मीन के समझ नहीं आ रहा कि किस किस्म का डिसीजन। अगर वो जैसे रमीज भाई कह रहे थे कि टर्निंग ट्रैक चाहिए था, तो टर्निंग ट्रैक मे बी ऐसा टर्निंग ट्रैक नहीं होगा कि मैनेजेबल नहीं होगा, बैट्समैन इजीली खेलेंगे। एक होता शार्प टर्न, एक होता स्लो टर्न, वो आप मैनेज कर जाते हो, तो ऐसे टर्न इस वेदर के अंदर ढूंढना बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी बात। अगर ये कराची होता और टर्निंग ट्रैक की तरफ जाते तो आपको मिल जाता। हाँ। कराची एक ऐसा विकेट है कि जिसको आपने ग्रीन बनाना है तो ग्रीन भी बन जाता है, टर्निंग बनाना है टर्निंग भी बन जाता है। लेकिन पिंडी की जो हमेशा से रेपुटेशन रही है वो हमेशा से स्विंग सीम और बाउंसी ट्रैक रहने की रही है। जितने भी हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने हमेशा बॉलिंग अपनी वहां पे बहुत एंजॉय की। अगर वही रहने देते तो क्या होता, हम हार से भी डर रहे हैं, हम जीतना भी चाह रहे हैं लेकिन तरीका भी नहीं आता जीतने का। बिल्कुल, और अपने फास्ट बॉलर्स पे वो ट्रस्ट नहीं शो कर रहे। आपने बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात जो मेरे जहन में थी कि आपने पिंडी में मैनूवर करने को क्यों सोचा। आप पिंडी में स्पिन विकेट नहीं बनाते, आपका अगला टेस्ट मुल्तान में है, उसके बाद उससे अगला टेस्ट कराची में है, वहां ठीक है आप रैंक टर्नर बनाते, आप स्पिन विकेट बनाते, मगर पिंडी एक तो कराची का मौसम ऐसा है जो बैलेंस आउट कर सकता है उस पूरे कंडीशन को। बट फिर लाला, क्योंकि हम पिच पे, मैं भी नहीं चाहती कि इतनी बात पिच 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 की जाए, मगर मुसलसल पिच 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 ही हो रही है, हर तरह से चारों तरफ से यही आवाज आ रही है। ड्रॉप इन पिचेस की फिर से बात की, वो एक साल पहले जो शुरुआत की थी रमेश राजा ने बात की कि ड्रॉप इन पिच आनी चाहिए, फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने क्यूरेटर बुलाया, उस क्यूरेटर ने रमेश राजा साहब को समझाया कि नहीं ड्रॉप इन पिचेस चल सकती पाकिस्तान में। बट अब फिर आज उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में फिर ये बात कही कि हम तो बहुत साल दूर हैं टेस्ट विकेट बनाने के लिए, इसलिए हमें ड्रॉप इन पिचेस की जरूरत है। लाला, आसान काम है क्या ड्रॉप इन पिचेस संभालना? देखिए, असल चीज़ है उसको मेंटेन करना, अभी इनके दौर में चले लग जाएगी, नए चेयरमैन साहब आएंगे, नई पॉलिसीज आएंगी, नया वो नहीं है हर एक के साथ नया जी कानून आ जाता है, चीज़ें आ जाती हैं। आई मीन के देखें ये बड़ों का काम, जो चेयरमैन है रमीज भाई, नो डाउट उनके काफ़ी एक्सपीरियंस है दुनिया में, घूमे फिरे हैं, उन्हें हर चीज़ का पता है, क्रिकेट भी खेले हुए। मेरे ख्याल में ऐसे डिसीजन लें जो कि अच्छे डिसीजन हो और बड़े डिसीजन हो।
आप वाकई अगर आप अपनी टीम को और हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं अंडर 19 के बच्चे आ रहे हैं इनको अगर एक जगह पे लेके जाना है, इनको सुपर स्टार्स बनाना है, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, क्वालिटी क्रिकेट खिलानी पड़ेगी आपको। डोमेस्टिक अलग होता है, आप डोमेस्टिक से उन बच्चों को पिक करते, जैसे मोहम्मद अली की बात करूँगा कि उनको आपने पिक किया, पिच उसने जितनी भी क्रिकेट खेली सारी स्विमिंग ट्रैक्स पे खेली, अब उसको फॉरन डेब्यू करा दिया, एक बहुत बड़ी टीम के खिलाफ डेब्यू करा दिया और वो भी फ्लैट ट्रैक पे करा दिया। एटलीस्ट जब आप डेब्यू करा रहे हैं तो फिर उनको उनको वो कंडीशन तो चाहिए होती है ना, जिसमें जिस कंडीशन से आप लेके आए हो। तो आई मीन के हमें डर हारने से नहीं डरना चाहिए, हमें कल परसों का नहीं सोचना चाहिए, हमें लंबा सोचना चाहिए और लंबे प्लान्स होने चाहिए। कल परसों के प्लान्स पे आप काम कभी भी नहीं कर पाओगे, आप यहीं रहोगे। बिल्कुल। और लारा हमने कल एक और भी बात की थी, हारिस रऊफ इस वक्त MRI के लिए वो गए हैं, इंतज़ार हो रहा है कि MRI की रिपोर्ट आए और पता चले, बिकॉज उनको जो है साइड स्ट्रेन हो गया है। तो हमने कल यही बात की थी कि ऐसा तो नहीं कि हमारे फास्ट बॉलर इंजर्ड होना शुरू हो जाएंगे। मैं उस दिन बात हो गई थी मेरी और आपकी और मैंने बताया था कि लड़के जितनी जान लगाएंगे हम ये इस पिच पे बगैर जान लगाए तो बॉलर बॉल ही नहीं कर सकता। और हारिस रऊफ के साथ ये हो गया, आई मीन कि आपके साथ बेंच पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि हसनैन जो बफाज बॉलर है जी खेल भी नहीं रहा था, मेरे वर्ल्ड कप पे भी गया हुआ था जी हसनैन वर्ल्ड कप पे गया था, उसको वहाँ पे चांस नहीं मिला, यहाँ पे टेस्ट खिलाना चाहिए था, पहले उसका हक बनता था फिर उसके बाद मोहम्मद अली का हक बनता था। ठीक है ना, एक लड़का पाइपलाइन में इतने अरसे से आप टीम कैरी कर रही है, पेस है उसकी जी, ठीक है आपने इस तरह का फ्लैट विकेट बनाया उसका पेस है, अगर रिवर्स स्विंग मिलता है तो उससे अच्छा पेस आउट तो कोई कर ही नहीं पाएगा, उसके पास स्पेस है, हमें उन लड़कों को बेंच पे रखना चाहिए। हारिस रऊफ मैं कभी भी टेस्ट क्रिकेट के फेवर में नहीं हूँ, इस लड़के को वन डे के लिए और T20 के लिए वाइट बॉल की क्रिकेट के लिए जितना सेव करके चलोगे उतना फायदा होगा। लाला हमको एक चीज रियलाइज करनी भी चाहिए ना, हारिस रऊफ 4 साल पहले तक हारिस रऊफ ने हार्ड बॉल पकड़ी भी नहीं, ही वाज अ टेप बॉल बॉलर। तो जब 4 साल पहले, मतलब आपकी मसल्स उस हिसाब से बनती हैं कि आप किस चीज़ से खेल रहे हो, आप किस कंडीशंस में खेल रहे हो, आप किस तरीके से खेल रहे हो, क्या इन सारी चीज़ों को, आप तो क्रिकेटर हो ऑब्वियसली, मैं एक नॉन क्रिकेटर हूँ, अगर मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ तो क्यों नहीं हमारी मैनेजमेंट इस बात को अंडरस्टैंड करती है कि लॉन्गर फॉर्मेट में हारिस रऊफ को शायद जाया करने वाली बात है कि हम अपना एक और अच्छा बॉलर खो देंगे। आप मैं अब सवेरे मैं क्यों बात करता हूँ हमेशा कि आपके 15 से 20 लड़के जो है ना वो पाकिस्तान के बेंच होनी चाहिए जिसमें तगड़े बॉलर्स भी हों। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हारिस रऊफ आज का मैच खेला है अगला टेस्ट मैच भी खेले, नहीं, आप उसने जान लगाई है, जान लगाएगा और वो खुद भी जान लगाएगा, उसको पता कि मैं सिलेक्शन कमेटी या कप्तान उसे कहेगा कि भाई तूने सिर्फ ये मैच खेलना है और तूने मुझे परफॉर्म करके देना, हम तुझे अगला मैच रेस्ट करा देंगे, क्योंकि हमारे पास बेंच पे एक और लड़का भी तैयार है, तो हम रेस्ट भी करा रहे हैं खिला भी रहे हैं, रेस्ट भी करा रहे हैं खिला भी रहे हैं। मुझे याद है कि शेन वॉन या मैग्रा एक मैच उसमें रेस्ट करा दिया था स्टीव वॉन ने, और स्टीव वॉन ने कहा कि अगर जो लड़का मैग्रा की जगह खेल रहा है अगर वो 5 भी आउट करेगा अगला मैच मैग्रा ही खेलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है ना, तो प्लान के तहत लंबा चलना है, आगे बहुत क्रिकेट आ रही है और काफी अच्छी तगड़ी क्रिकेट आ रही है, वर्ल्ड कप भी है, तो मेरे ख्याल में अपने प्लेयर्स को सही तरीके से यूटिलाइज करें। आप हसनैन वगैरह लेके गए तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हसनैन को आप लेके गए तो खिला देते ना, यहाँ पे टेस्ट मैच में जरूरत है उसको खिलाओ। आप हारिस रऊफ को बहुत तरीके से लेके चलना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत तगड़ी बॉलिंग करता है, बहुत जान से स्पेल्स करता है, वो उसको आप वाइट बॉल तक रखें जी। लाला वैसे आपने जो रोटेशन पॉलिसी की बात की, क्या पास्ट में भी ऐसा होता आया कि प्लेयर्स अपनी इंजरी छुपाते थे सिर्फ इस वजह से कि अगर वो निकले टीम से तो जगह निकल जाएगी? होता था, बिल्कुल होता था, इसी तरह ही होता था, कोई चांस देता ही नहीं था, मौका ही नहीं देता था कि मैं अगर बैठ गया किसी वजह से तो ये पीछे की परफॉर्मेंसेज नहीं देखेंगे, मुझे साइड पे कर देंगे कोई और जगह, एक तो जगह बनती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से जगह हमारे सीनियर देते थे किसी को, वो जगह नहीं देते थे। लेकिन ये है कि जो रोटेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स की रोटेशन मैं समझता हूँ कि हमें बहुत बार बार वही वाली बात कि बेंच को स्ट्रॉन्ग करो, बेंच स्ट्रॉन्ग करो, कोई भी शाइन नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है, हाँ कोई नहीं है तो नहीं है, हमारे पास ये दो प्लेयर हैं और तैयार बैठे हैं। क्योंकि बहुत ऑकवर्ड लगता है, कल सकलेन मुश्ताक साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए उन्होंने कहा ये हमारी बेस्ट है, ये जो हमारे पास अवेलेबल है ये बेस्ट लड़के हैं। जब हम एक्सपीरियंस बॉलर्स की बात करते हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर नसीम शाह इस वक्त हमारी बॉलिंग लाइनअप में, कितने टेस्ट खेले हुए मोस्ट एक्सपीरियंस इस वक्त 13 टेस्ट मैच, बिल्कुल ओके 13 टेस्ट मैच खेले हुए हैं नसीम शाह ने, मैं फिर भी एक करेक्शन देख लेते हूँ, 13 टेस्ट मैच, यस आई एम करेक्ट, 13 टेस्ट मैच खेले नसीम ने और वो मोस्ट एक्सपीरियंसड है, मतलब आप हमारे सारे बॉलर्स का एक्सपीरियंस एक तरफ, जिमी एंडरसन का एक्सपीरियंस एक अकेले का एक तरफ, तो हम इसका मतलब ये कि हम चांसेस दे ही नहीं रहे, हम डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। आप
मैं वही इंजरी वाली एग्जांपल मुझे हमेशा मेरे जहन में सबसे पहले अदनान अकमल आते हैं. अदनान अकमल जो है वो थंब इंजरी की वजह से बाहर हुए थे एंड सरफराज आए उसके बाद, और उसके बाद इट वाज नेवर लुकिंग बैक. अदवाल भूल गए पीसीबी के अदनान कहाँ चले गए. तो ये तो ये चीज है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे बहुत टैलेंट को, जाया करती है. होता है, बहुत जाया हो चुका है, ये कोई नई बात तो नहीं है, बहुत जाया हो चुका है. बात यह है कि जो भी पॉलिसीज हैं वो इनको खुद बनानी चाहिए. सिलेक्शन कमेटी का हम लोग ये हमारी कौम में है, हमारे बड़ों में, कि वो सिर्फ कल और परसों यार जब तक मैं हूँ बस इसको खिला लो, इसको यूटिलाइज कर लो, आगे का देखा जाएगा. ये नहीं, गोरों की सोच बहुत अलग है. गोरा तो वो 10-15 साल के प्लान करके बैठे हुए होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ये क्या नाम है जो ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर था, दोनों भाई माश, हम लोग जब गए थे 2006-07 का टूर था हमारा, तो इसको हम नेट पे खेलते हुए देख रहे थे, तो हमारे ऑस्ट्रेलियन लड़कों से बात हो रही थी. वो कह रहे थे ये आने वाले दौर का ये प्लेयर निकलेगा, ये लड़का कह रहे इस पे अभी से मेहनत हो रही है, इसको ग्रूम किया जा रहा है. बिल्कुल, उनके प्लान बहुत आगे के हैं और वो माशाल्लाह से टीम की बैकबोन बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया की. एग्जैक्टली, प्लान आप करेंगे तो लॉन्गर टर्म में आपको फायदा होगा इस बात का. एक और स्टेटमेंट जो कि रमेश राजा साहब ने दिया, बड़ा कोई मुझे तो बहुत मजाइया सा वो स्टेटमेंट लगा, आप बताएंगे लाला. ब्रेक पे जाते जाते मैं ये जरूर यहाँ पे पुट डाउन कर दूंगी और उसके बाद ब्रेक से वापस आके लाला का पॉइंट ऑफ व्यू उस पे लेंगे. रमेश राजा साहब ने कहा कि इंग्लैंड ने तो अपने T20 के प्लेयर्स उतार दिए, इस वजह से इस तरह की हमें परफॉर्मेंस दिखी इंग्लैंड की तरफ से. जितना तेज वो टेस्ट मैच में खेले, ऐसा खेलते हुए तो मैंने कभी भी नहीं देखा इंग्लैंड को. वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. And welcome back to Game Set Match in conversation with Shahid Khan Afridi. Discussion हमारी हो रही है जो second day का इख्तिताम हुआ आज, पाकिस्तान versus England, the first test at रावलपिंडी. और 181 जो है वो टोटल अभी तक ओपनर्स की पार्टनरशिप रही है, जिसमें जो है अगर मैं बात करूँ इमाम उल हक की, तो इमाम ने जो है वो 90 रन बनाए हैं और अब्दुल्ला शफीक ने 89 रन स्कोर किए हैं, विच मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग मोर बैटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम पाकिस्तान साइड नाउ बिकॉज जिस तरह की कंडीशंस ऑफ विकेट है. खैर, हमने पिच पे बहुत ज़्यादा बात कर ली है, मेरे ख्याल से वी शुड मूव ऑन बिकॉज अब तो आपको 500 दिन यही देखनी पड़ेगी. एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि तीसरे दिन के बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक करती हुई ज़रूर दिखे पिच, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं. बट अगला स्टेटमेंट रमेश राजा साहब ने जो दिया वो दिया कि इंग्लैंड जो है वो अपने T20 प्लेयर्स को खिला रहा है टेस्ट में, और इस तरह की इंग्लैंड की परफॉर्मेंस मैंने कभी भी पहले नहीं देखी जितना तेज़ वो खेले हैं. लाला, जब से ब्रेंडन मैकलम हिस्सा बने इंडियन इंग्लैंड कैंप का, तब से जो है एक नया उन्होंने बैसबॉल अप्रोच शुरू किया जो कि अपने मुल्क से शुरू किया. लोगों का ख्याल ये था कि जब वो इंग्लैंड से बाहर निकलेंगे तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे, बट जब यहाँ पे इतनी लुक्रेटिव बैटिंग कंडीशंस मिली, उन्होंने उसी तरीके से खेला जिस तरह की कंडीशंस थी और उसी तरीके से फ़ायदा उठाया. चार प्लेयर्स ने सेंचुरीज की एंड क्विक रन्स बनाए. तो चाहे वो T20 प्लेयर्स को लेकर आए, तेज खेले, एक टीम अपने लिए खुद अपना प्लान डिसाइड करती है, हम क्यों नहीं तेज खेलने का डिसाइड कर सकते. मेरे ख्याल में भी T20 की टीम खिलानी चाहिए थी. आई मीन के इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेले, चाहे वो T20 के प्लेयर हों चाहे जो भी हो, उन्होंने सारों ने बहुत देखिए. जब से ये आप सवेरे जो बात कर रही थी, इनके जो कोच हैं मैकलन, मेरे ख्याल में उसका एटीट्यूड, वो हम बहुत क्रिकेट साथ खेले हैं, वो हमेशा से बड़ा एग्रेसिव प्लेयर रहा है, उसके उसकी स्ट्रेंथ ही वही रही है हमेशा, और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस की वजह से टीम को न्यूजीलैंड को वन साइडेड मैचेस जितवा देता था. तो उसकी अप्रोच अगर कोच ही एक इस तरह, और कोच ने आके गेम चेंज किया कि हाँ यार अब क्रिकेट चेंज हो गई है, अब अगर प्लेयर जो है वो केपेबल है कि वो पॉजिटिव क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, बनिस्बत ये कि पूरा दिन ज़ाया करो कि 100 बॉलों पर आप 50-60 रन करो, उसी को कन्वर्ट कर सकते हैं. तो व्हाई नॉट, अगर एक प्लेयर केपेबल है तो उसको, कोच का काम यही है प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना. और उसने आके, मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड के अंदर ये चेंज मैंने अचानक से देखा है, उनकी जो पॉजिटिव अप्रोच था डोमेस्टिक में शुरू हो गया था, लेकिन उन्होंने जो मैकलन ने आके इनकी नेशनल टीम को जो चेंज किया बैटिंग के हवाले से, ये बड़ा पॉजिटिव और बड़े ज़बरदस्त किस्म का था. जिस ये पिच इतनी भी इजी नहीं थी कि जिस तरीके से वो खेले इंग्लिश प्लेयर खेले हमारे अच्छे अच्छे बॉलर, किसी भी कंडीशन में इस तरह खेलना आसान बात आसान नहीं है. सवेरा बहुत पॉजिटिव, आप ज्यादा से ज्यादा यार कितने रन कर लोगे इस तरह की जो पिचेस होती है, मेरे ख्याल पूरे दिन में आप 300 रन करते हो, 280-290 रन करते हो, लेकिन उन्होंने तो T20 और वनडे मैच बनाया हुआ था पहले दिन, वो बहुत पॉजिटिव खेल है और मजा आ रहा था सवेरा, हकीकत में मजा आ रहा था. ये नहीं था कि पूरा दिन खड़े होकर बैटिंग कर रहे हैं, रो के जा रहे हैं, बॉल मिलेगा तो हिट करेंगे, नहीं, उन्होंने बॉलें बनाई हैं, उन्होंने बॉलर्स को अंडर प्रेशर की है,
तो ये वो क्रिकेट है जिसका मैं फैन हूँ हमेशा से, और बिल्कुल होना चाहिए फैन, बिकॉज हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, क्योंकि दूसरी तरफ बिल्कुल दुनिया के दूसरे कोने में यानी सदर्न हेमस्फेयर में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ एक दूसरे के मत्ते मुकाबले हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया ने अभी जब ये पहला टेस्ट खेला उसमें 598 रन बनाए हैं और इसी तरह तेज़ खेल कर बनाए हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ये जो अर्ली प्रोग्रेस कर लेते हैं टीम, ये तो अब खेल ही इसी तरह रही है। इट्स नॉट अबाउट कि टेस्ट शुड बी अ ड्रैग फॉर्मेट, टेस्ट वही तेजी से खेलने वाला अब इसी तरह से। मेरा अब T20 की अगर बात की जाए तो T20 मेरे ख्याल में हमें हराना मुश्किल होता था पाकिस्तान टीम को, इसलिए कि हमने रमजान में ही शुरू कर दी थी T20, हमारा एक फेस्टिवल होता था T20 का, तो हम उसमें बहुत आगे थे। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद उस चीज़ को डेवलप की है और उस चीज़ को अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके हैं। अब आप देखें वर्ल्ड की टॉप टीमें जितनी भी हैं ये सारी आपकी T20 के, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एज वेल, लेकिन उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव की है, वो काफ़ी आगे का सोचते हैं, काफ़ी आगे का प्लान करते हैं, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें कि जहाँ उन्होंने पहुँचना होता है वो अपने ग्रास रूट लेवल से शुरू कर देते हैं चीज़ को, जो कि सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, ग्रास रूट लेवल से शुरू करते हैं एंड देन फिर वो ईजी हो जाता है उनको अचीव करना जो भी उनके गोल्स हैं या जो भी विजन है उनका। लाला हम जब तेज़ खेलने की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे ऐड इन करती चलूँ कि इंग्लैंड ने 86 चौके मारे हैं एंड 9 छक्के मारे हैं, विच मींस 398 रन्स टोटल इंग्लैंड ने बाउंड्रीज से किए, और ये टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, ये टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है उनको बताया था कि नहीं जी ओडीआई खेलने आना है और हम जो है टेस्ट बहुत तगड़े खेले हैं। मुझे तो हैरत हो रही थी उनकी बैटिंग देखने में कि बॉलर कहीं पे भी ये नहीं नजर आ रहा था कि बॉलर जो है ना वो विकेट लेने जा रहा है, उन्होंने अंडर प्रेशर ही रखा है। लेकिन साथ साथ में सवेरा क्योंकि अब्दुल्ला शफीक की इनिंग, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक और इमाम ये दो हमारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, बहुत अच्छा खेल है, जिस हिसाब से इन्होंने पास्ट में क्रिकेट खेली उस हिसाब से ये पॉजिटिव खेले हैं, तो मुझे ये चीज मजा आया देखने में कि हमारे दोनों ओपनर ऐसी बात नहीं, वो भी पॉजिटिव खेले, जहां उनको चांस मिला उन्होंने अवेल किया, मारा है शॉट मारा है। तो मुझे तो इस वक्त जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन है वो भी डिस्टर्ब लग रही है, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, किस तरह आउट करें, तो लेट्स सी इस पिच पे मेरा नहीं ख्याल कि बैट्समैन जो है ना वो बॉलर्स को चांस देगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि बॉलर्स को कोई चांस मिलेगा। मगर जिस तरह आपने अब्दुल्ला और इमाम की बात की लाला, शुरू के कुछ टाइम में उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, अपने उस नॉर्मल तरीके से खेले, वही आपने जो कहा ना कि डोमेस्टिक से चेंज आता है, आप ग्रास रूट लेवल से वो चेंज लाते हैं, वो अग्रेसिव, हमारे यहाँ एक खास एक टर्मिनोलॉजी है, सीधा खेलो सीधा खेलो सीधा खेलो, वो सीधा खेलने के चक्कर में जो है जो आपके इम्प्रोवाइज शॉट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, कोई इम्प्रोवाइज शॉट करने की कोशिश करता है हमारे डोमेस्टिक में तो उसको डिस्करेज किया जाता है, इस वजह से आपको हमारे यहाँ लड़के दिखते नहीं है रिवर्स स्वीप मारते हुए, स्कूप शॉट मारते हुए, कहाँ दिखते हैं हमारे यहाँ। सवेरा मैं तो रूट्स को देख के हैरान हो गया था, वो भी पीछे की तरफ मार रहा था शॉट, एग्जैक्टली मैंने कहा टेस्ट मैच हो रहा है क्या, लेकिन ये है कि वो चीजें डेवलप की जाती है ना यार, उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, आप उस तरह खेलते हो, अब वो ऐसे आंखें बंद करके तो नहीं मार दी ना उसने, उसने प्रैक्टिस की है उस चीज के लिए, उसने लास्ट सीरीज किधर खेले इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो खेले वहां पे भी इन्होंने अभी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है और ये उल्टे शॉट है मारी ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आया ना ऑस्ट्रेलिया, वहां पे भी इसने रूट्स ने इसी तरह, मतलब रूट्स का तो गेम हमें पता है कि वो बहुत ही सीधा प्लेयर है, बैट बॉल का इंतजार करता है, लेकिन नहीं अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है और अच्छी चेंज की तरफ जा रही है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है और हमें मजा आ रहा है मैच देखने में, कहां कौन कोई मैच देखा करता था, मैं तो बहुत ज्यादा बोर फील करता था, लेकिन इस टेस्ट मैच में मजा आ रहा है देखने में और सिर्फ इंग्लैंड की तरफ से नहीं, मुझे मजा आ रहा है पाकिस्तान की बैटिंग देखने में, मजा आगे बढ़े बिल्कुल। इमाम और अब्दुल्ला ने अब जब से वो गार्ड संभाल लिया है तो तेज खेलना शुरू किया है, हमें अपने लड़कों की तरफ से भी बाउंड्रीज आती हुई दिखी है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड आई होप कि इसी कॉन्फिडेंस से आगे कंटिन्यू करें। बट एक चीज़ लाला जिस पे हम बहुत रेगुलरिटी में बात करते हैं, बहुत रेगुलरिटी में बात भी हुई, बार बार ये स्टेटमेंट हमारी मैनेजमेंट की तरफ से आना कि दिस इज़ दी ओनली टैलेंट दैट वी हैव, लाला मैं फिर वापस जाऊंगी उसी कॉन्वर्जेशन पे जो कि हम बहुत साल पिछले साल उससे भी एक साल पहले से हम वो मुसलसल कर रहे हैं, क्या डोमेस्टिक में टीम कम होने की वजह से हमें इस मसले का सामना हो रहा है। सवेरे देखें डोमेस्टिक में क्रिकेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा, देखें हर प्लेयर पाकिस्तान से खेलना चाहता है, हर बंदा क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन हर बंदा खेल नहीं सकता। Exactly. आप जितनी कम क्लब होंगे, कम टीमें होंगी, उतना कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, मेरा ये बिलीव है, ठीक है, क्योंकि मुझे जान लगानी पड़ेगी, मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी क्लब लेवल पे कि यार मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूं कि वो वाला डिपार्टमेंट या वो वाला रीजन जो है वो मेरी परफॉर्मेंस देखे और मुझे सेलेक्ट करे, तो कंपटीशन नीचे से शुरू होना शुरू हो जाएगा।
जब बहुत सारे क्लब होंगे फिर सिफारिशें बहुत चलती हैं, सिफारिशें बहुत होती हैं हमारे मुल्क में एसोसिएशंस वगैरह की जो ना, सिफारिशें तो फिर अभी भी होती हैं। पहले ये था कि शायद अगर 16 टीमें खेल रही थी तो उसमें जो डिजर्व करते थे उनको भी मौका मिल जाता था और जो सिफारिश से आते थे उनको भी मौका मिल जाता था। अब क्योंकि लिमिटेड पूल है तो सिफारिश वाले जगह ले लेते हैं तो वो जो डिजर्विंग होते हैं उनकी कम रह जाती है। सवेरे जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट जब होती थी ना, तो इसमें हर डिपार्टमेंट ऐसे सिफारिश में से प्लेयरों को नहीं लेता था, उन्हें जॉब भी देता था और फिर बड़ा अच्छा टैलेंट लेके आते थे, पैसे दे रहे होते थे, पैसे देते थे और उनका पूरा साल, ये नहीं कि सिर्फ वो 4 महीने बिजी है, नहीं, पूरी लुक आफ्टर की जाती थी। बड़े अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स थे, लोगों की नौकरी भी होती थी और साथ में टैलेंट बड़ा जबरदस्त आता था, ऐसे नहीं उठ के आ जाता था। तो मेरे ख्याल में मुझे वो जो स्ट्रक्चर था हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का, डिपार्टमेंट क्रिकेट, उसको मैं हकीकत में मिस करता हूँ। ठीक है, उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया आके, एंड देन मैं चाह रहा था कि चलो चेंज किया है, अल्लाह करे इसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकल आए, लेकिन एस एच उस तरह रिजल्ट नहीं निकल रहा जिस तरह निकलना चाहिए, जिस तरह निकलना चाहिए। अब मूविंग ऑन फर्दर, डे थ्री कल खेला जाएगा, क्या करना चाहिए डे थ्री पे टीम पाकिस्तान को? लगे रहे रन बनाते रहे और इसी तरह अंबार बनाते, बैटिंग करनी चाहिए, बैटिंग ही करते रहे और लेकिन पॉजिटिव कि मजा आए, कि पता चले कि यार अगर इंग्लैंड ने बैटिंग की है तो पाकिस्तान टीम भी किसी से कम नहीं है, हमारे बैट्समैन भी किसी से कम नहीं है, सारे माशाल्लाह से अच्छी फॉर्मों में भी है, तो उनको उसी तरीके से खेलना चाहिए, पॉजिटिव क्रिकेट को बोर नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल ये जिस तरह हमारे बॉलर्स अंडर प्रेशर रहे इसी तरह उनके बॉलर्स भी अंडर प्रेशर हो, ताकि उनको भी एहसास हो कि अगर हमने पाकिस्तान टीम की बॉलिंग के साथ ये किया, इन्होंने भी हमारे साथ कर दिया। तो मैं चाह रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया कि पता नहीं इस मैच का रिजल्ट आएगा, जो कि अभी तक मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि इस पिच पे इतने प्लेयर्स आउट करना ये बड़ी बात है, मतलब 20 विकेट निकाल लें, लेट्स सी अगर पिच में के अंदर कोई ऐसी चीज निकल आ गई तीसरे दिन, शुरू में तो नहीं, आफ्टर टी अगर निकल आ गई, या चौथा दिन भी है, पांचवा दिन भी है, अगर कहीं स्पिन या रिवर्स स्विंग, लोअर बाउंस, इसलिए कि बॉल लो रह रहा है। तो इंग्लैंड की एक चीज मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल बहुत ज्यादा की है, सामने बैट्समैनों को ज्यादा, आज मेरी और आपकी बात हो रही थी पहले दिन के सामने खिलाना पड़ेगा इस पिच पे लेग बिफोर और बोल्ड का चांस, तो लेट्स सी क्या किस तरफ जाती है टेस्ट मैचेस में। बट कल का पहला एक घंटा लाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है जिस तरह मौसम है रावलपिंडी का, सुबह जो है खुनकी होती है हल्की सी, विकेट डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, शुरू का जो एक घंटा होता है वो बहुत मुश्किल होता है बैटर्स के लिए, और बॉलर्स उस पर जितना एडवांटेज उठा सकते हैं वो एक घंटे में ही उठा सकते हैं, क्यों वरना इसके अलावा तो इस विकेट में कुछ भी नहीं है। कुछ बिल्कुल सही सवेरा आपने नोट किया है, फास्ट बॉलर मैं समझता हूँ कि इस ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ आपको लग रहा था कि सुबह थोड़ा बहुत चांस है, आप एक एंड से फास्ट बॉलर लगाते हैं, दूसरे एंड से स्पिनर लगाते हैं ग्रिप लाने के लिए, इसलिए कि पिच में हल्का पुल्का कुछ होता है, तो एक तरफ से फास्ट बॉलर लगे, दूसरे एंड से स्पिनर्स को लाना चाहिए, वो एक चांस होगा विकेट लेने का, कि दोनों में से कोई एक विकेट करे तो बैक टू बैक विकेट गिर गई तो थोड़ा प्रेशर डाल के, एंड देन अगर रिवर्स स्विंग मिल गया तो वो फिर खैर नहीं, पर हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना डालें, हम अभी बैटिंग कर रहे हैं, यानी इमाम और अब्दुल्ला को जो है वो पहला घंटा जो है वो बहुत संभल के और बहुत कैलकुलेट करके खेलना, आधा घंटा 40 मिनट भी बहुत है, और पिच के अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में, तो 40-35-40 मिनट जो है ना वो ठीक है, विकेट ना गिरे, बाकी अंदर प्ले दे रहे होंगे बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं बताती चलूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैच के बाद, जो डे एंड हुआ उसके बाद, और नसीम शाह और जाहिद महमूद जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। लाला एक बड़े मज़े की बात उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दोनों लड़कों ने ऑब्वियसली यंग टैलेंट है इस वक्त हमारा, उनका ये कहना था कि पिच जैसी भी हो हमने तो खेलना है, हमें हर पिच पर खेलना पड़ेगा, तो बड़ा उनकी कई बॉडी लैंग्वेज में बड़े डिसअपॉइंटेड दिखे वो इस बात पे कि हमें तो करना है, क्या करें पिच जैसी भी हमें मिल जाए, तो ये इसके अलावा वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, जाहिर सी बात वो पिच के बारे में कोई बात नहीं कर सकते थे, तो मेरे ख्याल में ठीक है उनका बनना बोलना बनता ही बेचारों का, लेकिन ठीक है उन्होंने जो भी इस पिच के हिसाब से, जाहिद ने 4 आउट किए पहला मैच था उसका, नसीम शाह क्या मुझे अच्छा लग रहा था, नसीम शाह बॉलिंग करते हुए जान से बॉलिंग कर रहा था वो लड़का, उसने हर स्पेल बड़े तगड़े तरीके से किया, ये नहीं कि अभी बॉडी खुल रही है या बॉल हो नहीं रहा, पिच में कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था उसके चेहरे से, गुड मुझे अच्छा लग रहा था नसीम शाह। जाहिद महमूद ने भी उसको इस बात पर अग्री किया कि चौथे पांचवें दिन ये स्पिनर्स के लिए और ये पिच जो है लुक्रेटिव हो जाएगी, जिसपे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फायदा उठा सकूं, हमें भी उम्मीद है कि पिच ऐसे ही करेगी जैसे वो सोच रहा है, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने ये बात की है। तो अभी भी हम चाह रहे थे कि जो हमारे इस्लामाबाद से कोरेस्पॉन्डेंट हैं शहजाद अली, उनसे हम बात कर सकें, बिकॉज वो खुद मौजूद थे वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट मुझे लगता है कि अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का
इख्तिताम जो है वो नहीं हुआ है। सो मूविंग ऑन फर्दर, स्टाइल चेंज करना, दो तीन चीज़ें लाला, मुझे पता है आप काफ़ी खेले हैं सकलैन मुश्ताक के साथ, आपका काफ़ी टाइम गुजरा है, बट कभी कभार एक इम्प्रेशन ये आता है कि जब मीडिया कोई टफ सवाल पूछता है ऑल टुगेदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मतलब आज जो है वो रमीज़ राजा साहब भी गुस्सा हुए, इससे पहले मैच से पहले बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसपे एक बहुत जेन्युइन सवाल पूछा गया पिच को ही लेकर, उस पर बाबर आजम ने भी जर्नलिस्ट को बड़ा ट्रोल करके जवाब दिया। एक अजीब सी एक कोल्ड वॉर दिखती है पीसीबी और मीडिया के दरमियान कि एक दूसरे को ट्रोलिंग की जाती है और जिस तरह हंस के जवाब दे दिया जाता है, टाला जाता है, ये क्या ये अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? बिकॉज जब से मैं देख रही हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड मीडिया हैंड इन हैंड साथ चलते रहे। सवेरा, अच्छा अगर मैं अपने आप को उन प्लेयरों की जगह रखूँ ना, तो कभी कभार मैंने देखा है कि मीडिया जो है ना वो कभी कभार जो है ना वो नाजायज़ फ़ायदा भी उठाता है। ठीक है, बिल्कुल उठाता है फ़ायदा। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि जो मैनेजमेंट होती है उनको एक डिसीजन लेना चाहिए कि आपसे मीडिया में इस तरह के सवाल होंगे, कोई बात नहीं, आप रिएक्ट ना करना, आप उसको इस तरह जवाब दे देना, एक तरीका होता है हर चीज़ का। लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया का रोल हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा मीडिया को भी दिखाना चाहिए। तरीका होता है क्रिटिसाइज करने का, क्रिटिसिज्म का कोई ना कोई तरीका होता है, अल्फाज चुने जाते हैं, उसके लिए हमेशा मैं बात करता हूँ कि क्रिटिसाइज करना ठीक है, लेकिन तरीका होना चाहिए। और ये होता है सिर्फ मीडिया का, तो पाकिस्तान की टीम नहीं है, हम सबकी पाकिस्तान टीम है, या मीडिया हम सबका मीडिया है, हमारा पाकिस्तान का मीडिया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मैं समझता हूँ कि जिससे ग्लोबली एक नेगेटिव मैसेज जाए, तो क्योंकि बदनामी होती है मुल्क की। बिल्कुल, और हेडलाइंस अच्छी बननी चाहिए, जो हमेशा रमीश राजा साहब भी कहते हैं कि हेडलाइंस अच्छी है। लाला, जाते जाते ड्रॉ आप दिख रहा है आपको कि ड्रॉ ही होगा ये मैच? यहाँ से तो सवेरे ड्रॉ ही नजर आ रहा है, ड्रॉ ही नजर आ रहा है, तो कोई हो गया कुदरत का करिश्मा, क्या कुदरत का निज़ाम कुछ इस तरह चल गया तो शायद ऊपर नीचे कुछ हो जाए, मगर अभी तक जो है वो एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद ये ड्रॉ की तरफ जाएगा। बट टुडे वाज जस्ट डे टू, अभी तीन दिन और बाकी हैं, एंड नेवर से नेवर, कभी पता नहीं चलता, क्रिकेट इज़ अ वेरी अनप्रडिक्टेबल गेम। यहाँ पे वक्त खत्म हो गया गेम सेट मैच का। लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।